नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों मैं धर्मिंदर शाह, LIC इंश्योरेंस एडवाइसर। दोस्तों मैं आज एक ऐसे प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके रिक्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट करता है। दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों ये टॉप पे आपको गारंटी लिख रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे आप सर्च करेंगे तो ये गारंटी आ जाएगा। गारंटी पे आने के बाद आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहाँ ये जैसे ना सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे लगभग 500 प्लस वीडियो हैं। दोस्तों यहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं और हर एक तरह के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको बेस्ट मिलेंगे। और दोस्तों जो भी LIC का जो बोनस जो होता है, करंट रेट ऑफ बोनस होता है, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों ये जो एक्चुअल रिटर्न बिल्कुल राइट है, बिकॉज मैंने जो भी कैलकुलेशंस किया है, जो LIC का करंट रेट ऑफ बोनस है उसके बेस पे कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको LIC से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसे प्लान के बारे में डिस्कस करूँगा वहाँ पर आप अपनी बेटी के मैरिज के लिए भी प्लान ले सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट में। और किसी को शॉर्ट टर्म सेविंग प्लान चाहिए जिसमें किस्त अवधि कम हो पर रिटर्न बहुत ज़्यादा हो, टर्म भी ज़्यादा चलेगा, तो दोस्तों मैं उसी कॉन्सेप्ट में आज डिस्कस करूँगा, ताकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स वाला प्लान हो। दोस्तों आज मैं बात करूँगा बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट, इसको कह सकते हैं सबसे बेस्ट प्लान कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्लान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेबल नंबर 830 लिमिटेड प्रीमियम एंडमेंट प्लान। दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्लान है, मैं ब्रीफली एक बार आपके फीचर्स बता दूं। दोस्तों ये नॉन लिंक्ड है, इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें तीन तरह के टर्म मिलेंगे आपको, 12, 16, 21, ठीक है। इसमें PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, किस्त अवधि है 8 साल 9 साल, दो ही इसके अंदर आपको किस्त अवधि मिलेगा। मिनिमम एज एंट्री अगर 8 साल आप कंप्लीट हो चुके तो आप प्लान को परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एंट्री जो रखी है 62 ईयर्स, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की बात करें तो 75 ईयर्स हैं, और मिनिमम सम अश्योर्ड है वो 3 लाख रुपीज़ का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये तो सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये तीन चीज़ इंक्लूड होकर आपको मिलेगा। 3 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, बट इसमें लिखा है एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स, ओके। लोन फैसिलिटीज़ की बात करें तो 2 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टर्म बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम पेइंग टर्म कम है, इस करके आप इसमें 2 साल का जो लोन और सरेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। और दोस्तों इनकम टैक्स की बात करें तो अंडर सी के तहत, 80C के तहत आपको जो रहेगा वो आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा, और 10-10 डे के अंदर आपका जो भी मेच्योरिटी का जो पैसा रहेगा उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर सपोज मैं लेता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ बेटी के मैरिज के लिए। दोस्तों आज के समय में बेटी के मैरिज के लिए पैसे की बहुत ही आवश्यकता होती है। और दोस्तों क्या होता है कि कई बार पार्टी क्या होती है, कस्टमर जो होते हैं उनकी नीड होती है कि कम समय में वो प्रीमियम पे करें, मतलब 8-9 साल किस्त जमा करें, और बेटी को हमारे जब 21-22 साल की हो जाती है तो उस समय पैसा अच्छा मिल जाए। तो उसके बेस पे मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बना के दिखाता हूँ। एज मैंने लिया है 9 साल, ठीक है, नहीं PPT मैंने लिया है 9 ईयर्स, ठीक है। टर्म लिया है 21 साल, ठीक है। 9 साल प्रीमियम पे करना है, 21 साल में आपको मेच्योरिटी मिलेगा। सपोज करिए आपकी 2 साल की बेटी है तो मैंने लिया 21 साल, सपोज आपका एज है, फादर का एज लिया है मैंने 30, 2 साल की बेटी है और मैंने 5 लाख का सम अश्योर्ड लिया है, 5 लाख का सम अश्योर्ड लिया है। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, जो प्रीमियम बनेगा वो मंथली बनता है 3220 रुपये, एनुअल बनेगा आपका 37,880 रुपये फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर जो प्रीमियम बनेगा आपका 37,065 रुपये बनता है, यानी आपका जो प्रीमियम पैड होता है 9 साल के अंदर 3,34,400 रुपये, ठीक है। आपने पे कर दिया LIC को और LIC आपको रिटर्न दे रही है 10,75,000 रुपये। दोस्तों यानी 3,34,400 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको 10,75,000 रुपये का टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है, क्या इससे अच्छा प्लान आपको चाहिए क्या? 3 टाइम्स से भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको। तो दोस्तों ये दोस्तों जो करंट रेट ऑफ बोनस होता है LIC का, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ताकि दोस्तों आप कन्फ्यूजन में ना रहें, दोस्तों ये जो एक्चुअल रिटर्न है बिल्कुल राइट है, बिकॉज ये LIC का जो करंट रेट ऑफ बोनस होता है उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि टर्म बात करें, अगर इसमें सम अश्योर्ड हम 10 लाख भी करते हैं, अगर हम 10 लाख भी करते हैं तो जिसका प्रीमियम बनता है वो साल का बनता है 75,498 रुपये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 73,800
73 रुपये, यानी टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 666,482 रुपये और टोटल हमें रिटर्न मिलता है 21,50,000 रुपये, लगभग 3.5 गुना। तो दोस्तों 9 साल प्रीमियम पे करना है, 21 साल में आपके बेटी के लिए ऐसा प्लान मिलता है ना, कहीं नहीं मिलेगा, इतना लाजवाब। मिनिमम से बात करें, अगर हम 3 लाख का भी सम एश्योर्ड लेते हैं, 3 लाख के सम एश्योर्ड में जो प्रीमियम बनता है वो बनता है साल का 22,284 रुपये, यानी मंथली बनता है 1,945 रुपये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो बनता है 1,903 रुपया, यानी टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ इस प्लान के अंदर वो होता है 2,02,020 रुपये और टोटल हमें जो रिटर्न मिलता है वो 6,45,000 रुपये। बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस 3,15,000 प्लस 30,000 प्लस 3 लाख का सम छोड़, यानी 3,36,645,000 रुपये। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा बेटी के लिए सबसे बेटर प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, यानी PPT इसका बहुत ही शॉर्ट है और इसका जो बेनिफिट है बहुत ही लाजवाब है। इसमें टर्म की बात किया मैंने कि 8 साल PPT जो है, 8 साल 9 साल, 9 साल बेटर है, 8 साल भी ले सकते हैं, एक 16 साल का टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 लाख, अगर हम इसमें 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, 5 लाख के सम एश्योर्ड में हम देखते हैं जो प्रीमियम बनता है एनुअल बनता है 45,378 रुपया, ठीक है, और सेकेंड ईयर जो बनता है 44,401 रुपया, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 4,586 रुपये और टोटल हमको रिटर्न मिलता है 8,72,500 रुपये, यानी कि डबल से भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों ये 9 साल प्रीमियम पे करना है, 16 साल में हमें जो रिटर्न मिलता है डबल से भी ज़्यादा मिलता है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख होता है, 8,72,500 रुपये टोटल आपको रिटर्न मिलता है, प्लस इसमें डेथ सम एश्योर्ड की बात करें 6,25,000 रुपये प्लस एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाब प्लान है, और क्योंकि इसमें जो PPT है 9 साल है, अदर प्लान में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर प्लान में आपको 21 साल का टर्म लेते हैं तो आप 21 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं या 15 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं, इससे शॉर्ट टर्म में प्लान आपको कहीं नहीं मिल सकता, शॉर्ट प्रीमियम पेइंग टर्म में प्लान नहीं मिल सकता, और रिटर्न भी बहुत ही अच्छा है। 2 साल के बाद आपको लोन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, 2 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। और दोस्तों रिस्क कवर की बात करें तो रिस्क कवर भी बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो बेटी के मैरिज के लिए सबसे अच्छा प्लान है, एक सेविंग के लिए सबसे अच्छा प्लान है, अगर बेटे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा भी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको अब्रॉड भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लान आप ले सकते हैं, क्योंकि 21 साल तक इंडिया में ग्रेजुएशन बच्चा कर लेता है, उसके बाद ही बच्चे को आप फॉरन भेजते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मिनिमम 20-25 लाख रुपये कम से कम चाहिए। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाब प्लान है, क्योंकि दोस्तों इसमें कम समय में कम PPT में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 9 साल प्रीमियम पे करना है, 8 साल पे करना है, कोई भी पे कर सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या खास लगा, और दोस्तों फिर भी किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी LIC से रिलेटेड आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई फेस कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करें ताकि मैं उसका सलूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप प्लस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी हमारे जैसे कस्टमर्स जो हैं, चाहे हमारे LIC के एडवाइज़र भाई हैं, वो इसका बेनिफिट ले सकें। और दोस्तों